आज हम ऐसे कंपनी की बात करेंगे जिसके पास इंडिया के क्लोज टू हाफ ऑफ मूवी सॉन्ग एवर प्रोड्यूस का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, शॉर्ट में जिसको आईपी राइट्स भी बोलते हैं। ये कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार के लिए मूवी भी बनाती है। बहुत से लोगों ने कारवा का नाम सुना होगा, शायद कुछ लोग ने यूज़ भी किया होगा। ये रेडियो जैसा म्यूजिकल डिवाइस है विच हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन रिसेंट ईयर, स्पेशली एमोंग ओल्डर जनरेशन। ये भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी का नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टवेंच। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इनिशियली कंपनी वॉज एस्टैब्लिश एज अ ब्रांच ऑफ ईएमआई इन 1901। इन ईयर 1985 आरपी संजीव ग्रुप ने कंपनी एक्वायर किया। दिस कंपनी हैज़ वेरी रिच लेगेसी। द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाई गौहर जान इन 1902 एंड फर्स्ट फिल्म मेड इन बॉलीवुड आलम आला इन 1931 वेर मेड अंडर सारेगामा म्यूजिक लेबल। आरपी संजीव ग्रुप की बात करें तो ये इंडिया का वेल नोन ग्रुप है जिसके अंडर मोर देन 23 कंपनी आती है एंड दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 35 कंट्रीज, जिसमें से 7 कंपनी लिस्टेड है ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। हो सकता है आपने इसमें से कुछ कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। फर्स्ट कंपनी CESC लिमिटेड, ये जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काम करती है। देन सेकेंड कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ये IT बेस्ड कंपनी है। देन थर्ड है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, ये इंडिया का लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है। देन फोर्थ इज स्पेंसर लिमिटेड, ये रिटेल चेन स्टोर है इन इंडिया। एंड देन फिफ्थ इज CESC वेंचर, दैट इज वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी। देन सिक्स इज हैरिसन मलयालम लिमिटेड, इज अ प्लांटेशन कंपनी प्रोड्यूसिंग टी एंड रबर। एंड सेवन सारेगामा, इस कंपनी के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। सारेगामा लिमिटेड का रेवेन्यू का मेन 3 सोर्स है। फर्स्ट म्यूजिक, सेकेंड TV एंड फिल्म प्रोडक्शन एंड थर्ड पब्लिकेशन। म्यूजिक ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है जो कंट्रीब्यूट करता है क्लोज टू 86% ऑफ टोटल रेवेन्यू। TV एंड फिल्म प्रोडक्शन, ये सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड एनालिस्ट आर वेरी बुलिश ऑन दिस सेगमेंट। करेंटली ये कंट्रीब्यूट करता है क्लोज टू 13% ऑफ टोटल रेवेन्यू। पब्लिकेशन, इसके अंदर कंपनी मैगजीन पब्लिश करती है और करेंटली ये लॉस मेकिंग सेगमेंट है। म्यूजिक सेगमेंट का रेवेन्यू 2 जगह से आता है, फर्स्ट B2B एंड सेकेंड B2C। B2B जिसका मेन सोर्स है लाइसेंसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑडियो प्लेटफॉर्म लाइक साबन, स्पॉटिफाई, बिंग, गाना, साथ ही साथ रेडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। लाइसेंसिंग रेवेन्यू ग्रोथ गेम चेंजर साबित हो रहा है इस कंपनी के लिए। लाइसेंसिंग फीस हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 26% इन लास्ट 3 ईयर्स। इंडिया बेस्ड OTT ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज के पास ओवर 100 मिलियन यूजर्स हैं बट ओवरऑल पेड सब्सक्राइबर इज लेस देन 1%, इसलिए इस सेगमेंट में ह्यूज हेडरूम है फॉर ग्रोथ। रिसेंटली कंपनी ने फेसबुक के साथ डील किया जिससे फेसबुक यूजर कैन ऐड सारेगामा सॉन्ग्स टू देयर सोशल एक्सपीरियंस सच एज वीडियो, स्टोरी, वाई म्यूजिक, स्टिकर एंड अदर क्रिएटिव कॉन्टेंट। अब हम B2C की बात करेंगे। म्यूजिक सेगमेंट में कंपनी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर सामने आया एंड वो था कारवा। कंपनी मार्केट लीडर है व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक राइट ऑफ गोल्डन एरा एंड कंपनी ने इसे बहुत अच्छे से इनकैश किया बाय इंट्रोड्यूसिंग कारवा। ये एक पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो प्लेयर है विथ इनबिल्ट स्टूडियो स्पीकर एंड 5000 एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग इनसाइड इट। कंपनी ने मोर देन 2 मिलियन कारवा यूनिट सेल किया सिंस इट इंसेप्शन और ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा हिट साबित हुआ। रिसेंटली कारवा का ग्रोथ रिड्यूस हुआ है एंड मेजर रीज़न इज़ लॉकडाउन। स्टिल मैनेजमेंट को कंटिन्यूस इनोवेट करना होगा टू मिल्क देयर एक्सलेंट म्यूजिक कलेक्शन। सारेगामा हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड मूवी प्रोडक्शन यूनिट जिसका नाम है यूटली फिल्म्स। टारगेट है टू क्रिएट कंटेंट फॉर डिजिटल मीडिया लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड अमेजॉन प्राइम। ये राइटर स्टूडियो है जहाँ स्टोरी मेन हीरो होता है, नॉट द स्टार कास्ट। रिसेंट ईयर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा कंटेंट बेस्ड मूवी बनाया, वो भी काफ़ी कम बजट में। कंपनी प्लान कर रहा है टू बिल्ड अ कैटलॉग ऑफ 40-50 मूवीज इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। 1 or 2 हिट कैन चेंज एवरीथिंग फॉर दिस प्रोडक्शन हाउस। TV सीरियल्स की बात करें तो सारेगामा लीडिंग TV सीरियल कंटेंट प्रोड्यूसर है फॉर साउदर्न चैनल।
करेंटली कंपनी 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में टीवी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सारे कामा ने अप्रॉक्सीमेटली 6,000 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट क्रिएट किया है फॉर सन टीवी ओवर लास्ट 17 ईयर्स। करेंटली सन टीवी के लिए इट इज़ प्रोड्यूसिंग अराउंड 15 टू 16 आवर्स ऑफ कंटेंट पर वीक अक्रॉस 4 सीरियल्स। रोजा सीरियल जो सारे गामा प्रोड्यूस करता है करेंटली नंबर 1 तमिल शो है बेस्ड ऑन TRP। पब्लिकेशन बिजनेस की बात करें तो सारे गामा ओ करता है ओपन मैगजीन को विच इज़ करेंटली लॉस मेकिंग। मिस्टर विक्रम मेहता जो सारे गामा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिंस ईयर 2014 और उनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने कंपनी को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है। इससे पहले वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर रह चुके हैं इन टाटा स्काई। सारेगामा को बैकिंग है फ्रॉम RP संजीव ग्रुप विच इज़ वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप जो प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू दिस कंपनी। सारेगामा लिमिटेड वॉज हाईली डिपेंडेंट ऑन इट्स ओल्ड म्यूजिक कंटेंट विथ वेरी लिमिटेड एक्विजिशन फॉर न्यू कंटेंट टिल ईयर 2017। मगर कंपनी ने स्टार्ट कर दिया टू एक्वायर न्यू कंटेंट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का प्लान है टू स्पेंड अराउंड 180 करोड़ फॉर न्यू म्यूजिक एक्विजिशन ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स, जिसके कारण कंपनी के लाइसेंसिंग बिजनेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को भी देखते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट का रियल किंग तो नंबर ही होता है। कंपनी का मार्केट कैप क्लोज टू 1000 करोड़ है। बुक वैल्यू इज 238 रुपीज़ और करेंटली कंपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14 पे ट्रेड कर रहा है जो कि अपने हिस्टोरिकल वैल्यू से कम है। सो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक काफ़ी महंगा तो नहीं है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है विथ जस्ट 9 करोड़ डेब्ट इन देयर बैलेंस शीट और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कोई कंपनी के लिए। रेवेन्यू की बात करें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है इन पास्ट फ्यू ईयर्स। इन फाइनेंशियल ईयर 20 ये इसमें थोड़ा डिप आया है एंड मेनली बिकॉज जो कोरोना वायरस के कारण कारवा का सेल बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर भी अप ट्रेंड में है विथ माइनर डिप इन फाइनेंशियल ईयर 2020। ये नंबर और भी अच्छे से ग्रो कर सकता था बट ड्यू टू लॉस मेकिंग पब्लिशिंग बिजनेस ये नंबर लिमिटेड ग्रो कर रहा है और सेम केस है विथ रिटर्न ऑन इक्विटी। कैश फ्लो की बात करें तो ये अच्छे से ग्रो कर रहा है इन पास्ट फ्यू ईयर्स एंड कंपनी ने फाइनली पॉजिटिव कैश फ्लो नेट कैश फ्लो दिखाना स्टार्ट कर दिया है और जैसे जैसे लाइसेंसिंग रेवेन्यू ग्रो करेगा वी कैन सी मोर इम्प्रूवमेंट इन नेट कैश फ्लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास क्लोज टू 60% स्टेक है और कोई भी शेयर प्लेस नहीं है और ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है वो आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसे कंटिन्यूस मॉनिटर भी करें। अगर सारेगामा की बात करें तो कारवा का ग्रोथ रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर एंड कारवा सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है इन टोटल रेवेन्यू एंड वी मस्ट एक्सपेक्ट कि मैनेजमेंट और भी कारवा जैसे यूनिक आइडिया के साथ सामने आए टू बूस्ट देयर रेवेन्यू। सारेगामा का पब्लिकेशन बिजनेस वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी को लॉस होता है क्लोज टू 10 करोड़ एवरी ईयर और इसके कारण कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। मैनेजमेंट नीड टू टेक सम बोल्ड डिसीजन रिगार्डिंग दिस। फाइनल ओपिनियन की बात करें तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करता है मेनली डिजिटल एंटरटेनमेंट उसमें फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ आना बाकी है। कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू ऐड 50 मूवी कैटलॉग इन नेक्स्ट 3 ईयर। एक या दो हिट कैन चेंज होल पिक्चर फॉर दिस प्रोडक्शन हाउस। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बुलिश हैं ऑन डिजिटल एंटरटेनमेंट इन आवर कंट्री देन सारेगामा एक अच्छा ऑप्शन देता है टू इन्वेस्ट इन दैट। दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कंपनी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट्स।